देखो बेटा, जिन्होंने ये किया है ना, ये उनकी तरफ से ये एक छोटा सा, आप इसे तोहफा कह लो या आपकी ज़रूरत कह लो, तो उन्होंने ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए भेजी। बाकी आपको बोलना है जिनने भी ये भेजा उनके हम बहुत शुक्रियादार हैं। हम वाकई में परेशान हो गए वाली साहब के इंतकाल के बाद। अल्लाह बस ऐसा कोई जरिया बना दे कि हमारी रोजी का चलता रहे। अल्लाह बस उन्हें खुश रखे जिनने भी ये काम। तुम इतने छोटे से हो, तुम क्या काम करोगे? ये भाई छोले वाले, छोले का काम कर लोगे जी भाई। तुम मैं भी ये तुम्हारी वालदा कैसे करेंगे तुम? अगर तुम बोल लो मैं शरबत करूंगा, तो तुमने क्या फैसला करा अभी तक? वालदा बोल रही है तीनों को छोले बना के एक जगह बना के ना अलग अलग डिवाइड करके भेज। अच्छा देखो, उन्होंने तुम्हारे को ये भी चीज भेजी, ये पकड़ो। अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे। ठीक है बेटा, आपकी मुश्किल अल्लाह ताला फरमाए। अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे। इसने भी हमारे लिए करा, उसको रमजान की एक महीने में। इस बारे में, पाओं के बारे में अम्मी से मैंने कहा था कि आप किसी भी तरीके से ना जो 150 रुपये फीस है उसे दिखा दो, जो ट्यूब लिख के देंगी ना, तो वो हाथ क्या इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन नहीं होता तो उसकी तपीस लग लग के ना छाले हो गए। मैं समझता हूँ वो सीटें जो आग चलती हैं तो उसके वो पैरों पे आ गई ना, ये हुआ है ना। तो उसका सिलसिला ये है कि मैंने ये कहा था, अब देखो मतलब सारा ये आ रहा है कि वो ये तुम्हारा घर है बहुत दूर जी, हम एक दफ़ा तो चले गए, दूसरे दफ़ा मुश्किल हो रही है, बस हमें दुकान पर भी बैठना होता है शॉप पर। तो ये मैंने अम्मी से कहा था कि आप किसी डॉक्टर को दिखा दो, जो भी इसका है वो हमें बता दो, वो भी इंशाल्लाह देख लेते। तो इसके लिए तो बताना पड़ेगा ना, अब तुम्हें भी नहीं पता क्या लगेगा। तुम चीनी को करना कुछ नहीं है, कल तुम चीनी में दोबारा आओ मेरे पास, छोले लेकर आओ, छोले लेकर आओ। अच्छा जिस तरह गार्ड आने ना दे, गार्ड को बोल मिलेगा तो पता चले। जाओ तुम जाओ, मैंने क्या बोला कैंडो साहब आप पैसे नहीं है, मतलब क्या आपकी सफाई कितना खर्चा होगा? साहब मुझे 500 रुपये दे दो, उसमें खुशी से दे खुश रखे। उसने भी हमें सामान दिलवाया अल्लाह उनको, और परेशानियों से बचा अल्लाह उन्हें, और कामयाबी करे। बहुत बहुत मेहरबानी भाई, बहुत बहुत। कंधे पर रख लो इसको, डबल इधर रखो। बाजी बोल दिया करो मैडम ने। चलिए जी, अब शॉप में चलते हैं, कुछ अभी तक कस्टमर तो सुबह का टाइम है ना। निशान ये गंदी हो रही है, ये डाइनिंग ये टेबल खराब हो रही है, साफ करने के लिए। तुम्हें यहाँ भी सफाई की पड़ गई यार, आते शॉप पे मुझसे लड़ना शुरू कर देते हैं। दे तो सफाई कर दो दी। सफाई ये खुद देखे ना आप, ये खुद देखे, हम इस पे कपड़े रखेंगे। अच्छा मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रही अब कोई सफाई, मैं बाहर ही जाके बैठ रही हूँ, हर वक्त मुझे आप बोलते हैं इतने सफाई। अच्छा भाई, ये देखिए खुद कितनी गंदी हो रही है डाइनिंग टेबल। ये आपने दूसरा शेफून का कपड़ा भी खराब कर दिया। ये तो बेकार पीस है, ये बेकार पीस कहाँ से है, इसके ऊपर भी तो काम हो सकता है। अरे भाई एक तो तुम्हारी सफाई है ना, नहीं इससे क्यों साफ कर रहे हैं? मैं नहीं कर रही अब सफाई, खुद ही कर रही, मैं बाहर जाके बैठ रही हूँ। चलो भाई चलो चलो, हमारे साथ ये बड़ा मसला है, तो ये बड़ी टेंशन होती है रामा भाई। सफाई सफाई अभी कर तो दी सफाई, ये लोग वो ये सफाई है, ये देखो आप ये देखिए कपड़ों पे लगेगा, खुद देखें, देखने वाले भी देख रहे होंगे। वो अलग बात है तुम चीजों को ढूंढो निकालो, तो ये देखिए कितना गंदा हो रहा है अभी, गंदा नहीं है ये, इसके ऊपर लगा हुआ ये देखो आटा चिपक गया ना, आटा नहीं है ये, आटा होता था ये चिपक भी गया, आटा चिपक गया, वो जो हमने गोश्त निकाला था ना गोश्त के पानी से, ये सारा आटा चिपका हुआ है, सारा तो गंदा हो रहा है। आटा आटा कैसे गिर गया बाहर? आटा गिरा है ना कट्टे का, कट्टे का आटा नहीं छना। तुम बहुत दिमाग उल्टा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
शुरू अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। तो जनाब, आपने देख लिया होगा आज कि शॉप पर कभी कभी ज़िशान से मेरा झगड़ा भी हो जाता है। बस वजह यही होती है कि मुझे सफाई की बहुत ज़्यादा आदत है। अब ये मेरी इस आदत को बीमारी का नाम देते हैं कि बीमारी है। अब आप मुझे बताइए, क्या सफाई साफ़ सुथरा रखना क्या गलत बात है? और दूसरा ये कि आप लोगों के भी क्या ऐसे झगड़े होते हैं अपने हस्बैंड से ऐसे सफाई के मामले में? क्योंकि बस मैं अपनी आदत से मजबूर हो रही है, अपनी आदत से मजबूर है। ऐसी बात नहीं है कि इनको सफाई की आदत नहीं है, बस मुझे ये होता है कि हर चीज़ मैनेजमेंट से तरीक़े से करीने से हर जगह पर हो और गंदगी ना हो। तो बस मर्दों की शायद आदत होती है, थोड़ी सी लापरवाही होती है। बस कभी कभी शॉप पर हम दोनों में ऐसी भी तल्ख कलामी हो जाती है, इसके बाद ये चाय पीते हैं, दोस्ती भी हो जाती है। बहरहाल अब हमें जो है घर की रूटीन को देखना भी होता है। आने के बाद सोचा था क्या बनाऊं, क्योंकि रोज़ की यही टेंशन होती है कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि फिर इसके बाद गैस भी चली जाती है और फिर सिलेंडर पे बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिलखसूस रोटियां और तंदूर की रोटियां तो गर्मी में बिल्कुल भी समझ नहीं आती। कभी कभी मजबूरी होती है तो बाज़ार से मंगवा भी लेते हैं। बहरहाल अब मेरी बच्ची माशाल्लाह इस काबिल हो गई है वरीशा की, वो मेरे साथ रोटियाँ सिखवा लेती है और मैं उसको, क्योंकि बेलनी नहीं आती तो मैं रोटी उसके साथ मिलके बनवा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने बनाए थे भेजे की आसान सी रेसिपी है। बस तेल में नमक मिर्च और लहसुन अदरक डालने के बाद हल्दी डाली और कसूरी मेथी डाल दी, थोड़ा सा दही डाल दिया था जो मैंने दिखाना आप लोगों को भूल गए, भेजे डालकर जो है उसको हल्के आँच पर रख दिया, हरी मिर्चें डालकर। तो बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये। और दूसरा मुझे आपको ये भी बताना है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भाई हैं अंजुम भाई, उन्होंने मदरसे के बच्चों के लिए दो दही बनवाने का ऑर्डर दिया था बिरयानी की, और ये त्योहारी ज़बरदस्त बिरयानी है मदरसे के बच्चों के लिए। और बस इसी के लिए जो है आज हम लोग मदरसे की तरफ आए हैं। और ये मदरसे जो है दरअसल हमारे लिए रोशनी की वो किरण है जहाँ से हम अपनी अच्छी रहनुमाई सीखते हैं और हलाल और हराम की तमीज़ सीख सकते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि इन दीनी मदारिस की अहमियत को समझें और इन मदरसों की रोशनियों को दुनिया के गोशे गोशे में मुनव्वर कर दें। इल्म सीखना ये कुरान की पहली बुनियादी तालीम है। इल्म नूर है और इल्म जो है वो अनबिया की मीरास है। हम मदरसे से दीन का इल्म सीखते हैं जो दुनिया और आखरत दोनों की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। जितना हम और हमारे बच्चे इन मदरसों से अपना ताल्लुक़ को जोड़ेंगे तभी हम इस दुनिया में अपने आने के मकसद को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। अच्छा, इमाम साहब ने यहाँ पे बहुत अच्छा दर्ज दिया, बच्चों को दीन के बारे में बताया। और इल्म तो ऐसा होता है कि जितना सीखा जाए उतना ही कम है। इन बच्चों के साथ साथ हमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में पता चली। और हमारा मज़हब तो वैसे भी मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हों और दीन मुकम्मल हो चुका है। इस बात पे हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि हम एक इतने अच्छे मज़हब से बिलोंग करते हैं। दूसरा ये कि हमारे अल्लाह के जो महबूब हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके उम्मती हैं। बस यही सोचकर दिल को बड़ा सुकून और इत्मीनान मिलता है कि कहीं ना कहीं तो हमारे लिए बख्शिश होगी। और अच्छे और नेक काम करने के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को निकालते हैं, कोशिश करते हैं। और उन लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआएं की गई जो लोग इस कार्य खैर में हमारे साथ शामिल हैं और आगे चलने का अज़म रखते हैं, अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और लोगों को खाना खिलाने की तरगीब देते हैं, खाना खिला के खुश होते हैं। तो बस यही तमाम अच्छे अच्छे काम, ना जाने अल्लाह ताला किस अच्छे काम के सिले में हमारी बख्शिश कर दे। क्योंकि यहाँ पर तो आर्जी सफ़र है, एक मुसाफिर हैं हम लोग, एक सराय खाने में बैठे हैं, एक मुसाफिर की तरह से यहाँ पर ही हम एक दिन कूच कर जाना है। तो बस यही नेक काम जो है हमारे अमाल नामे में तोले जाएंगे, लिखे जाएंगे, तो उस दिन हमें ये बड़े बड़े समझ लें बड़े अनमोल होके मिलेंगे। उस दिन तो एक एक नेकी हमें भारी पड़ेगी
क्या पता एक नेकी भी कम हो जाए और जन्नत में जाने से रह जाए हम, या अल्लाह की किसी भी नाफरमानी के सिले में हमें दोजख मिल जाए। तो बस यही था कि अब थोड़ी देर में बिरयानी भी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी यहाँ की इंतज़ामिया में, और बच्चे बहुत ज़ोक़ शौक़ से बिरयानी खा रहे थे क्योंकि बिरयानी तो सभी को पसंद होती है, और बड़े दिल से बड़ी अच्छी नियत से बनवाई गई बिरयानी थी माशाल्लाह। दो देखे थी, बच्चियों का भी खाने का यहाँ पे अलग से अहतमाम किया गया था क्योंकि पर्दे की पाबंदी है, और बस बारिश के भी आसार थे कि किसी भी तौर बारिश हो जाएगी। अच्छा, मीठे के तौर पर यहाँ पे आम डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे अंजुम भाई और मिसेस अंजुम ने। आम का भी हमसे कहा गया था कि बच्चों को मीठे के तौर पर आम खिलाया जाए। बस इन बच्चों को खाता हुआ देख कर बड़ी खुशी हो रही थी, इसी खाने में से हम भी खाएंगे क्योंकि ये खाना ऐसा है कि अल्लाह की मखलूक के लिए बना है, और हम ये नहीं समझते कि हम ये खाना नहीं खाएंगे, हम भी इस खाने को खाएंगे और लोगों में भी और दूसरे लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। माशाल्लाह बहुत रहमतों बरकतों वाली बिरयानी बनी गई थी। साथ साथ जो वो तीन बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनके लिए भी हमारे व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी हेल्प करने के लिए आ चुके हैं, और इंशाल्लाह उनका भी रोज़गार जो है वो हो जाएगा। क्योंकि एक कुंबे की किफ़ालत करना, इसकी इस तरह से मदद करना कि वो आपका मोहताज है, इससे बेहतर है कि आप हमारे साथ मिलकर उस फैमिली के लिए एक रोज़गार का ज़रिया बनवा दें कि वो बच्चे भी रोज़ की रोटी रोज़ी कमा सकें। क्योंकि पाकिस्तान में कोविड के बाद से इस कदर महंगाई हो चुकी है कि अगर दो वक्त का खाना भी मिल जाता है ना तो गरीब आदमी अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता है। हर चीज़ इतनी नापैद हो गई है, तो और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी तक कैसे ये आवाम पहुँचेगी, कैसे हम लोग पहुँचेंगे। तो इस कार्य खैर में हमारे साथ हिस्सा लीजिए, लोगों के रोज़गार करवा दीजिए। जिन जो लोग साहिब हैसियत हैं हमारे साथ आएँ, या उन बच्चों का हमसे नंबर भी आप लोग ले सकते हैं, ख़ुद डायरेक्ट उन लोगों से बात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा ऐसे पता नहीं कितने ही घराने हैं, और बस यही है कि हम ये तैयारी अपने लिए ही कर रहे हैं, अपनी आखिरत को संवारने के लिए ही कर रहे हैं। अच्छा, लोग हमसे अब ये कमेंट्स भी कर रहे हैं कि हमने झुग्गी की तरफ जो है वहाँ पे तिरपाल शीट्स वगैरह क्यों डलवा दी, क्योंकि वो लोग मुस्तहिक नहीं है। लेकिन हम तो देखते हैं ना कि बारिश के बाद वो लोग कितना परेशान होते हैं, और अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर कोई घोड़े पे बैठकर भी आए और जर्क बर्क लिबास में और वह आपसे अल्लाह के नाम पर सवाल करे, तो आप ये ना देखें कि वो कैसे हाल में है। आपसे अगर उसने अल्लाह के नाम पर मांगा है तो आप उसको दे दें। तो यही सोचकर हम उन लोगों की मदद करते हैं, और अल्लाह ताला भी हमारा साथ देता है इस मामले में। अल्लाह के नेक बंदे हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं फौरन, और उन लोगों की मदद के वसीले बन जाते हैं। तो इस तरह की तनकीद करने से बेहतर है कि आप इस बात का फ़ैसला करें कि कौन मुस्तहिक है और कौन नहीं है। इस तमाम मामले को अल्लाह ताला के ऊपर ही छोड़ दें, और नेकी के कामों में टांग ना अड़ाएँ। कोशिश यही करें कि जिसके जो नसीब का उसको मिल जाए, आप खुदा बनने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी नेक कामों में इन गरीबों के हक़ को न मारें। जिसको जो मिल रहा है वो अल्लाह की रज़ा से मिल रहा है, हर शख्स अपने नसीब का ले रहा है। ना हमारी ताकत है और ना ही आपकी ताकत है। और बिरयानी मदरसे में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बच गई थी उसको हमने बॉक्सेस में जो है वो डाल दिया, और जो लोग हैं जो मुस्तहिक हैं उन तक पहुंचा दी जाएगी बिरयानी। कुछ घर के लिए भी निकाल ली हमने, और बस खाना खाने के बाद हम ये बॉक्सेस भी सब लोगों में तकसीम करने के लिए जाएंगे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, हमारे इस काम में हमारा साथ दें, हमारी हौसला अफज़ाई कीजिए, और बस अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, और अगर वीडियो अच्छी लगा करें तो उसको लाइक कर दिया करें। जो लोग नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।